मी वर्ल्ड लो बजट कुकिंग में मैं हूँ आपके साथ निम्रा खालिक और आज मैं बनाने जा रहे हूँ मिक्स सब्जी, जिसे पश्मील सब्जी भी कहा जाता है। सब्जियों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो हमने क्या क्या लिया था, आइए स्टार्ट करते हैं। 1 टेबल स्पून मेथी दाना है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 3 से 4 मेरे पास हरी मिर्चें हैं और 250 ग्राम मेरे पास मटर है, और यही मैंने 250 ग्राम जो है वो हरी प्याज ली थी, और 1/2 किलो मेरे पास गाजर है, और बंद गोभी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं वरना ना नहीं भी डालें। 1/2 किलो मैंने आलू लिए हैं, ये शिमला मिर्च हैं 2 नॉर्मल साइज़ की, ये भी आपकी चॉइस है। हरी प्याज की मैंने प्याज अलग काट के रख ली है, और ग्रीन वाले जो लीव्स होते हैं उसके पत्ते वो मैंने बिल्कुल अलग काटे हुए हैं। 4 से 5 मैंने टमाटर लिए हैं, आप चाहें अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 गड्डी सोया है मैंने लिया है, और 5 से 6 चमचे जो है कसूरी मेथी के लिए हैं। कसूरी मेथी की जगह आप जो है वो पत्ते वाली हरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 पैन में 1 कप ऑयल लिया है, 1 पतीली में 1 कप ऑयल, और उसमें मैं मेथी दाना ऐड कर लूँगी। थोड़ा सा चमचा चलाना है। गरम ऑयल में मैंने मेथी दाना शामिल किया है। मेथी दाने से खुशबू बहुत अच्छी आती है, और इसमें मैंने हरी प्याज की जो प्याज अलग कर ली थी वो मैंने ऐड कर ली है। थोड़ा सा इसको भी चलाना है, बस इस बात का हम ख्याल रखेंगे कि प्याज जले ना, थोड़ी सॉफ्ट करनी है, क्योंकि फिर इससे इसका जो टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाएगा। प्याज को सिर्फ सॉफ्ट करूँगी मैं। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया मैंने, थोड़ा सा चला लूँगी, थोड़ा सा भून लूँगी कि जो हीक है वो निकल जाए। अभी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जो हरी प्याज और शॉप से खाते हैं उनको खुशबू भी अच्छी लग रही होगी, जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। अब इसमें मैंने मटर ऐड किए हैं, क्योंकि मटर जो है वो आपको पता है बहुत देर में गलते हैं। सबसे पहले मैंने मटर शामिल कर दिए हैं, थोड़ी देर मैंने चलाया है इसको ताकि मटर थोड़े से फ्राई हो जाए ऑयल में। अब इसमें मैं बंद गोभी शामिल कर दूंगी। मुझे ये जितनी भी सब्ज़ियाँ मैं ऐड कर रही हूँ, मुझे सारी सब्ज़ियाँ बहुत पसंद हैं। आप अपनी मर्ज़ी से भी सब्ज़ियाँ कोई और भी ऐड कर सकते हैं, मगर इन सब्ज़ियों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसमें 1/2 किलो मैंने गाजर डाल दिए, और गाजर डालने के बाद मैंने इसमें 1/2 किलो आलू डाले। आलू उनको मैंने क्यूब्स में काट लिया था, ना ज़्यादा बड़े डालने और ना ज़्यादा बहुत छोटे करके डालने हैं, नॉर्मल साइज़ है आलूओं का। और इसके बाद मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी, क्योंकि शिमला मिर्च की खुशबू और उसका टेस्ट जो आता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। सब्ज़ी अगर आप ज़्यादा थोड़ी खटास पसंद करते हैं, सब्ज़ी में थोड़ी खट्टी खट्टी भी अच्छी लगती है, तो आप ज़्यादा टमाटर ले सकते हैं, वरना आपके लिए 2 टमाटर भी काफ़ी हैं। मिक्स कर दूंगी ताकि उसी जो टमाटर का पानी है उससे जो भाप बनेगी वो उससे भी सब्ज़ियाँ गलेंगी। 2 टेबल स्पून मैंने पिसी मिर्च डाली है, और नमक आपको अपने हिसाब से रखना है, कम या ज़्यादा, जैसे आप खाते हैं नमक आप एज अ टेस्ट यूज़ कर सकते हैं।
अब मैंने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दी ताकि वो जो पानी और उसके साथ जो खुशबू आएगी भाप में वो हरी मिर्चों की भी आएगी, अब बहुत ज़बरदस्त लगेगा। एक साथ डाल दूँगी और मैं इसको थोड़ी देर मिक्स करूँगी, मिक्स करके कवर करके रख दूँगी। 5 से 10 मिनट बाद मैं इसको कवर करके हटा दूँगी। यहाँ मैंने अब कवर करके हटा दिया है और इसमें हरी प्याज के पत्ते शामिल कर लिए हैं। हरी प्याज के पत्ते मैंने 5 से 10 मिनट बाद इस वजह से डाले हैं क्योंकि ये उसमें और ज़्यादा गल जाते हैं और फिर नज़र ही नहीं आती। थोड़े से ऊपर से मैंने डाले हैं ताकि सब्ज़ी अलग अलग रहे। और इसके बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी जो है 5 से 6 चम्मच जो मैंने आपको बताए हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं। मेथी की खुशबू बहुत अच्छी आती है और सर्दियों में मेथी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, इस वजह से जो है मैंने ज़्यादा मेथी ऐड करी है। आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। सोया मेरे पास 1 गड्डी था, सोए की खुशबू बहुत अच्छी होती है और ये सिर्फ सर्दियों में ही आते हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हम इसका जितना करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। सोया भी मैंने पूरी गड्डी डाल दी है और इसको डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर थोड़ी देर के लिए थोड़ी तेज़ आंच पे इसको मैंने भून लेना है ताकि सब्जियों का जो पानी है जितना पानी है वो सब जल जाए। और सब्जियां जो हैं इसको मैंने भूनने के बाद हल्की आंच पर करके रख दिया है। थोड़ी 10 से 15 मिनट इसको मैं बिल्कुल स्लो आंच पे जो है चूल्हा जलाकर हल्की आंच पे करके 10 से 15 मिनट और रख दूँगी मैं इसको और उसके बाद मैं इसको फिर डिश आउट कर लूँगी। ये मैंने डिश आउट कर ली है सब्ज़ी, बहुत ही अच्छी है, लग रही है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वेजिटेबल लवर्स उनको तो सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं तो इसलिए उनके मुँह में पानी भी आ रहा होगा देख के, और आना भी चाहिए क्योंकि अगर आप इसको खाएंगे तो आप अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही मेरी वीडियो के साथ जुड़े भी रहिएगा। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।